आज मैं आपको बताऊंगी बहरिया टाउन और वहाँ रहने वाले कुत्तों के बारे में। दरअसल कुत्ते दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो कुत्ते होते हैं और दूसरे वो जो महा कुत्ते होते हैं। जो तो होते हैं कुत्ते, वो तो अपनी जगह को साफ करके रहते हैं, और जो होते हैं महा कुत्ते, वो जहाँ रहते हैं उसे भी गंदा कर देते हैं। आप खुद देख लें, एक तो है ये कुत्ते जो यहाँ रहते भी नहीं है लेकिन जब आते हैं तो सफाई करके बैठते हैं, और दूसरी तरफ है महा कुत्ते जो पैसे देकर भी रहते हैं और ना खुद रहते हैं और ना किसी को रहने देते हैं। अब ये देखें, पान सुपारी गुटखा हर कचरा हर तरफ फैला दिया। अच्छी भली सोसाइटी थी, इसको कचरे दान बना के रख दिया। असल में ये कुत्ते इम्पोर्ट हुए हैं कराची से, और ये बहरिया टाउन को भी कराची बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम और आप मिलकर ऐसा होने नहीं देंगे। हम बहरिया टाउन को साफ सुथरा ही रखेंगे ताकि हम और आप यहाँ आराम से रह सकें, और ये कुत्ते भी। अच्छा, कुत्तों की एक टाइप और भी है जो बाहर से यहाँ घूमने तो आते हैं लेकिन खूब सारा कचरा मचा के दम दबा के भाग जाते हैं। भाई ये बहरिया का मच्छर दिख रहे हैं, न्यू ईयर वाले दिन बहरिया को भी ना कराची बना दिया गया है। न्यू ईयर वाले दिन बहरिया को भी कराची के शहर में, जो लोग मानते नहीं थे कराची का शहर है बहरिया, आज कराची में शामिल कर दिया गया है। ये आप हशर दिख रहे हैं, यहाँ पे कितना कचरा पड़ा हुआ है बहरिया में। ये कौवे भी बैठे हुए हैं, कौवे यहाँ पर नजर नहीं आते कभी ना, आज कौवे भी नजर आ रहे हैं, कुछ खा पी रहे। यहाँ पर मेला गर्क कर दिया पूरे ना, यहाँ पर डांसिंग फाउंटेन के सामने से गुजार रहा हूँ मैं। ये आप देखे जरा, ये क्या क्या पड़ा कचरा, ओहो इधर देखे जरा, ये पूरे बहरिया का सत्यानाश कर दिया। ये तो आपको मैं अभी एक जगह दिखा रहा हूँ खाली, जहाँ मैं गुजरा इतने पक से देखे ना फुटपाथ वगैरह, ये पूरे बहरिया का ये हशर किया है। देख तो ले जरा क्या हशर हुआ है जरा।